यूपी पुलिस की महत्वपूर्ण जांच एजेंसी सीबीसीआईटी के दो इंस्पेक्टर आजाद सिंह केसरी और केपी दुबे पुलिसकर्मियों से ही वसूली के आरोप में फंस गए हैं। लखनऊ में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर नेपाल सिंह ने दोनों के खिलाफ हजरतगंज थाने में गंभीर धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। वादी सब इंस्पेक्टर लखनऊ में एटीएम तोड़ने की कोशिश के मामले का एक खुलासा करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। इस मामले की जांच अब सीबीसीआईटी कर रही है। सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर वाद पर कोर्ट के आदेश से यह मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें सीबीआईडी के इंस्पेक्टर आजाद सिंह केसरी और केपी दुबे के अलावा मनीष मिश्रा और दो तीन अन्य अज्ञात को आईपीसी की धारा 167, 504, 384, 389, 468, 471 और 193 के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(a) के तहत आरोपित किया गया है। इसमें मनीष मिश्रा एटीएम तोड़ने की कोशिश से संबंधित मामले का अभियुक्त है। पुलिस ने 16 या 17 जुलाई 2018 की रात अलीगंज थाना क्षेत्र में मनीष मिश्रा को उसके साथ ही इरफान उर्फ राजू के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने वाली टीम का हिस्सा रहे सब इंस्पेक्टर नेपाल सिंह का आरोप है कि सीबीसीआईडी की जांच टीम ने अभियुक्त मनीष मिश्रा के साथ मिलकर उनके व उनके सहयोगी पुलिसकर्मियों को फंसाने की साजिश रची। जांच टीम ने गिरफ्तारी को फर्जी साबित करने के लिए झूठे साक्ष्य गढ़े। वादी सब इंस्पेक्टर का कहना है कि गिरफ्तारी प्रकरण की जांच में विवेचना पूरी होकर न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दिए जाने का तथ्य छिपाकर मामले की विवेचना सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई। इस संबंध में शासन के गृह विभाग ने 4 फरवरी 2020 को आदेश जारी किया। बाद में सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर आजाद सिंह केसरी इसके विवेचक बन गए। अपनी तहरीर में सब इंस्पेक्टर नेपाल सिंह ने आरोप लगाया कि विवेचक आजाद सिंह केसरी ने 16 मार्च 2020 को उनके अलावा पुलिस टीम का हिस्सा रहे सब इंस्पेक्टर वीरभान सिंह तथा कांस्टेबल पंकज राय व मिथिलेश गिरी को जवाहर भवन बुलाया और 10 लाख रुपए की मांग की। पैसे न देने पर गिरफ्तारी को झूठा साबित करके सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा लिखवा देने की धमकी दी। पैसा देने से मना करने पर विवेचक ने साथी पुलिसकर्मियों के सामने उन्हें अपमानित भी किया।